नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरफैक्ट यूट्यूब चैनल। अब डंकी भर से सलार का वीडियो लेकर हम आ चुके हैं, क्योंकि डंकी और सलार मूवी आप दोनों ही इतने ज्यादा पीक पर है कि उनके इनकम सुनकर आपका दिमाग ही अटक जाएगा। क्योंकि डंकी मूवी जो कि मेनली इंडिया में रन करेंगे यही सोच के बनाया गया है, वो बॉक्स ऑफिस में इंडिया का बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है और सारे इंडिया और ओवरसीज मिलाकर 300 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो सलार मूवी है वो इंडिया के बॉक्स ऑफिस में 350 करोड़ से भी ऊपर कमा लिए है और इंडिया और ओवरसीज मिलाकर 500 करोड़ रुपीस से ऊपर कमा चुके हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा अंतर क्यों है, क्योंकि डंकी मूवी भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली बनाया गया है और सलार मूवी जो कि प्रभास की है वो तो कई सारे लैंग्वेज में लॉन्च ही हुई है। तो आपको लगेगा कि ये शायद बहुत सारे लैंग्वेज में रिलीज हुआ है तो इसीलिए इसका अर्निंग ज़्यादा है। ये दोनों मूवी ही ऑनलाइन बुकिंग में बहुत ही ज़्यादा बुकिंग हो रहे हैं और डंकी मूवी के जरिए मतलब कि सलार मूवी उतना दिगुना इनकम कर रहा है, क्योंकि जो डंकी मूवी है उसका बजट सिर्फ 120 करोड़ रुपीज़ है और दूसरी तरफ जो सलार मूवी है उसका बजट 400 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, मतलब कि लगभग 3.5 गुना। लेकिन मेगा स्टार शाहरुख खान का फिल्म है तो इनकम तो होगी ही होगी, क्योंकि दूसरे जो फिल्म रिलीज हुआ था जवान और पठान उन दो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा इनकम कर लेती है। लेकिन इस जो डंकी मूवी है इसका रेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 7.9 के आसपास है IMDB में, तो इस फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा कमा लेंगे। और हालांकि वो सलार मूवी को बीट नहीं कर सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमा लेंगे कि जवान और पठान से भी टक्कर वो दे सकते हैं। इस मूवी में खास बात यह है कि यहाँ पे सभी दर्शकों को ध्यान में रखते हुए इसका स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। और दूसरी तरफ जो सलार मूवी है वहाँ पे लीड एक्ट्रेस है श्रुति हसन, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक एक्ट्रेस है और बहुत ही टैलेंटेड भी है। तो उस जो सलार मूवी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्टिंग भी की और प्रभास है मतलब कि उस फिल्म का जो रौनक है वो आ चुका है। इस फिल्म इंडिया से जितना ज़्यादा कमाएंगे उससे भी ज़्यादा ओवरसीज में कमा सकते हैं, यही फिल्म मेकर को लगता है। इसी तरह हर नए नए फैक्ट के बारे में अपडेट हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।